भेज दिया प्रतापगढ़ एसपी को और अंदाज से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावत के गाँव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई, एसपी रवाना हो गए गांव की तरफ, जहाँ कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया, तो इस कार्रवाई हो गई। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए हैं। ये है राजस्थान पुलिस का। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से, राजस्थान छत्तीसगढ़ राजनीति हो रही थी वहाँ पे भी। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बात वो क्यों रहती है, जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो दो बच्चियों का जो निर्वस्त करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी अंदर घुमाया गया और रेप किया गया, और महीना दो महीना मालूम नहीं पड़ा आपको। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहा कि प्रेस वाले मुझे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ एक नहीं 100 रेप हो चुके हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर 1000 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बोले वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, और नाम दिया राजस्थान का, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान का राजस्थान जहाँ पर 454 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है हमारा। क्राइम तो होता है देखो, तो क्राइम के बाद में अपराधी पकड़ने का जो काम हम कर रहे हैं वो शायद कोई राज्य नहीं कर पा रहा। इस केस के अंदर भी हमने मिस्टर MN दिनेश, इनकी देख रेख में SIG घोषित कर दी गई है, SP के रैंक ऑफिसर के साथ में, जो पूरी मॉनिटरिंग करें केस को। 11 लोग हिरासत में आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये केस तफ्तीश होकर चालान पेश होगा, ये मेरा कहना है। नंबर दो, जो बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका हौसला बना रहे। मैंने उनकी माता जी पिता जी बात करी है, बच्ची से बात करी है, और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, आपको न्याय मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, हम चाहेंगे आप चाहे तो धरियाबाद में, आप चाहे उदयपुर के अंदर आपकी नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे कि वो अपना आने वाले वक्त में चार भाई बहन हैं, बहुत गरीब परिवार है, तो चार भाई बहन हैं, 3 बहन हैं, 1 बच्चा छोटा भाई है, उनकी देख रेख भी कर सकें आराम से। पिताजी मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी हम उनको वहाँ करवा देंगे उदयपुर के अंदर, जाना चाहेंगे तो धरियाबाद में कह देंगे, और साथ में 10 लाख रुपये देंगे, FDI करवाएंगे बैंक के अंदर इसके बच्चे के नाम से। बच्चे परिवार से पूछ लेंगे किस प्रकार से इनको इमदाद चाहिए, जिससे कि ये बच्ची जो है, ये खुद का बच्चा पैदा होगा, ये अभी तो प्रेग्नेंट है, तो वो जो बच्चा होगा उसका भी देखभाल करनी पड़ेगी, और 3 भाई बहन भी हैं। बच्ची को मैंने कहा तुम हिम्मत रखो, तुम सबकी देखभाल करो, ये हमने उनको कहा है। अरे हम तो फकीर आदमी हिंदुस्तानी इस्लाम पत्थर मारने वालों के खत्म। बाय बाय। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री।